एक कौम शहर में इमाम खुमैनी का घर है, जहां वो अपने कौम प्रवास के दौरान रहते थे। अब हम अंदर चलते हैं और ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुराने ज़माने का मकान बना हुआ है और बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी और काफ़ी ठंडा है, बिना एयर कंडीशनर के भी काफ़ी ठंडा है ये। यहाँ जून के महीने में इतनी गर्मी है लेकिन काफ़ी ठंडा है। आप देख सकते हो यहाँ ये शायद किताब खाना है। इमाम खुमैनी ने कौम शहर में पढ़ाई भी की थी और यहाँ बाद में टीचर भी रहे। ये शायद एक किस्म का मिंबर है, मिंबर जैसा ही लग रहा है। काफ़ी ठंडक है यहाँ। अब देखिए ये दीवारें कितनी मोटी हैं, ये दीवार कितनी मोटी है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये शायद रसोई है, इस पर भी बर्तन ऐसे रखे हैं। काफी ठंड है ना इतनी गर्मी में। और ये जो हाउस है ये जमीन से 6 फीट नीचे है, ये मैं बताना भूल गया। انگار برای مردم شدن در خون این خانواده است. سید احمد به تدریج تبدیل به پناهی برای مردم رنج دیده از دست خانهای ظالم